तो जो है वो अब जंगल में फंस जाता है, तो उसको यही लगता है कि यार अब मेरा खुद का वक्त आ गया, और जैसे मैंने सोचा था कि सारा वर्ल्ड क्या एक रैट ट्रैप है, तो ये भी क्या है, ये भी जो है एक रैट ट्रैप की तरह हो गया, और लालच मेरी जेब में पड़ा है 30 करोड़, और मैं भी जो है अब जंगल में आके फंस गया हूँ। और कुल मिला के अब जो है मैं, मतलब उसको यही लगता है कि मैं जो है मर जाऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा वहाँ पे तो डार्कनेस बढ़ती जाएगी, और जो है फिर उतना ही खतरा बढ़ेगा वहाँ पे जंगली जानवर वगैरह का। सो इट वॉज़ लेट इन दिसंबर, ठीक है, तो कहते हैं इट वॉज़ लेट लेट इन दिसंबर, ये जो समय था उस कहानी का जब जंगल फंस गया, तो वो लेट इन दिसंबर था, यानी हम कह सकते लास्ट वीक ऑफ दिसंबर चल रहा होगा। सो डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और जैसे मैंने बताया था कि बाहर हल्का सा भी अंधेरा होगा तो जंगल में तो खूब अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि काले घने जो है पेड़ होते हैं वहाँ पे। तो डार्कनेस जो है पूरी जो है डिसेंड हो रही थी फॉरेस्ट के ऊपर, एंड दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो इज ग्लूम एंड डिस्पेयर। और इसकी वजह से क्या था, उसका वहाँ से जो है रेड ट्रैपर का वहाँ पे डेंजर, उसके लिए डेंजर भी बढ़ता जा रहा था जंगली जानवर वगैरह का, और वैसे ही उसके वहाँ से जो है जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा वैसे वैसे उसके लिए खतरा जो है वहाँ पे और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, उसके वहाँ पे दुख बढ़ने का और उसके वहाँ से गायब होने का सब जो है खतरा बढ़ता जाएगा। सो फाइनली ही सॉ नो वे आउट, तो कुल मिला के उसको जो है उसने बहुत रास्ते ढूंढने की कोशिश करी, वहाँ से निकलने की कोशिश करी, पर उसको कोई भी रास्ता वहाँ से बाहर निकलने का दिखाई नहीं दिया। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और कुल मिला के क्या हुआ, वो थोड़ा आगे चलते चलते जो है जब वो बिल्कुल थक गया, तो थक गया और उसको दिखाई दिया कोई रास्ता नहीं है, तो बिल्कुल वो हार गया, उसने हार मान ली, और वो जो है ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड। सैंक बोलते हैं मतलब एकदम झटके से जो है ऐसे सर के बल नीचे गिरना, तो ऐसे वो घुटनों के बल नीचे ऐसे बैठता है और अपने सर को जो है ऐसे ज़मीन पर टेक देता है। तो जैसे वो सैंक होता है ग्राउंड पर, टायर्ड टू डेथ, ठीक है, टायर्ड टू डेथ, यानी उस तब से वो जो है ढूंढ रहा है रास्ता निकलने का, पर नहीं मिला, बट अब वो इतना थक चुका था कि उसको दिख गया था कि मेरी मौत जो आ चुकी है, एंड थिंकिंग दैट इज लास्ट मोमेंट हैड कम। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, पर जैसे उसने वो सैंक करा और उसका सर ग्राउंड पे उसने रखा, तो ही हर्ड अ साउंड, तो उसको ग्राउंड में जो है एक साउंड की आवाज़ आई, और कैसी साउंड थी, इट्स अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, जैसे जो कोई जो रेगुलरली जो है कोई थम्प कर रहा है, मतलब जैसे कोई ऐसे धुम 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 ऐसे थम्पिंग की साउंड जो है ग्राउंड में आ रही है। तो अब ऐसे ग्राउंड में क्यों आ रही है, वैसे क्यों सुनाई थी, तो ऑफकोर्स जंगल में जो है और आवाज़ें आ रही होंगी उस वक्त कीड़े वगैरह की और चीज़ों की, जानवरों की वहाँ पर आवाज़ आ रही होगी, तो हो सकता है उसे जंगल में ना सुनाई दिया हो, बट जब वो ग्राउंड में उसने अपना सर रखा तो साउंड जो था वो एयर में ज़्यादा अच्छे ट्रैवल ना करके ग्राउंड में ट्रैवल कर रहा हो, तो उसको जो है वो आवाज़ सुनाई दे जाती है। और अब जब उसको आवाज़ सुनाई देती है, तो अब सच में देर वॉज़ नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, तो हो सकता है एक दो बार जब उसको सुनाई दी तो शायद यकीन ना हो, बट जब उसने देखा रेगुलर थम्पिंग है तो उसको कोई डाउट नहीं, और उसने देखा हाँ पक्का ये एक आवाज़ आ रही है, और कोई आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब पक्का आसपास कोई ना कोई होगा, और वो उसने सोचा अगर मैं उस आवाज़ को ही फॉलो करके उस डायरेक्शन में जाऊँ तो मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। तो वो एकदम से उठता है, और वो क्या थी, वो आवाज़ थी हैमर स्ट्रोक्स की फ्रॉम एन आयरन मिल, ही थॉट, और उसने सोचा कि ये क्या, समझा उसने किस चीज़ की आवाज़ है, ये हथौड़े बजाने की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब पक्का आसपास कोई आयरन मिल है, तो उसने ऐसा सोचा। एंड देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, तो ऑफकोर्स अगर आयरन मिल वो हथौड़ा बज रहा है तो अपने आप तो नहीं होगा, यानी पक्का कोई ना कोई इंसान होगा ही वहाँ पे, तो लोग होंगे, तो वो यही सोचते हैं कि अब मैं आवाज़ को फॉलो करके उसी डायरेक्शन में जाता हूँ। सो ही समंड ऑल इज स्ट्रेंथ, उसने अपनी सारी ताकत को इकट्ठा करा और खड़ा होता है, एंड स्टैगर्ड, स्टैगर्ड माने वो थक तो चुका ही था, तो स्टैगर्ड है ना ऐसे लड़खड़ाते हुए कदमों से जो है वो साउंड के डायरेक्शन की तरफ जो है चल देता है। द राम्स जो आयरन वर्क्स, वो जो आयरन मिल जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस आयरन मिल का नाम था राम्स जो आयरन वर्क, और ये स्टार्टिंग में भी आया था राम्स जो, ये नाम राम्स जो आयरन का कब आया था, जब वो ओल्ड मैन ने बताया था उसको, जिसने उसे अपने घर पे रोका था, जिसके यहाँ 30 करोड़ चुराए थे, कि वो अपने प्रॉस्पैरिटी के दिन पे कहाँ काम करता था, राम्स जो आयरन वर्क में काम करता था। सो विच आर नाउ क्लोज डाउन, तो जो आयरन वर्क था अब वो पूरा तो प्लांट नहीं चलता था, कुछ पार्ट उसका बंद हो गया था, बट वर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट विद, वहाँ पे स्मेल्टर डिपार्टमेंट था, रोलिंग मिल थी, फोर्ज था, ये सब स्मेल्टर, रोलिंग मिल, फोर्ज बोलते हैं जहाँ पे भट्टियाँ वगैरह चलती हैं, ये सब वो डिपार्टमेंट होते हैं जो एक बड़े आयरन मिल में जो है ये सब हुआ करते थे, तो ये सब राम्स जो आयरन वर्क के पार्ट थे। एंड इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेज एंड स्काउज, बार्जेज एंड स्काउज होते हैं ये ना बोट्स के टाइप होते हैं, जो बार्ज
बोट होती है वो फ्लैट होती है, और जो स्काउ होती है वो जनरली नॉर्मल जैसी बोट हम लोग देखते हैं वो होती है। बट ये मतलब नॉट ओनली बोट, ये बोट का थोड़ा बहुत बड़ा साइज़ होता है जिसमें हम सामान वगैरह लोड कर सकते हैं। तो जो है कहता समर टाइम में हम देख सकते थे कि वो बार्ज और स्काउज में जो है काफ़ी सारा ईंधन जो है वहाँ पर उसमें लोड होके कैनाल के रास्ते से जो है वहाँ पर इनलैंड लेक थी वहाँ से ले जाया जाता था मिल में। और विंटर टाइम में हम देख सकते थे द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम द कोल डस्ट विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। और वो विंटर टाइम में क्या होता था कि जितनी वहाँ पे भट्टियाँ जलती रहती थी आयरन मिल में, तो भट्टी तो हर टाइम जलती थी तो बहुत सारा ईंधन लगता था, तो जो भी उसका डस्ट बचता था वो रोड के दोनों तरफ जो है वो उसको डाल देते थे, वो थोड़ा वो जो है अलाउ करते उसको डालने के लिए, वो जनरली रोड वगैरह बनाने के काम में भी आ जाता, मतलब एक तरह से मिट्टी का काम करता है वो, तो ऐसा लेवल करने के काम आ जाता है। तो जैसे आप भी अगर कोई शुगर मिल वगैरह आप विजिट करें ना विंटर टाइम में आप देखें, तो जो थोड़ा सा रूरल एरिया में होती है जहाँ पे कोल वगैरह से जहाँ की भट्टियाँ चलती हैं जिस भी मिल की या शुगर मिल वगैरह की, तो आप देखें उस मिल का जो भी रास्ता मेन रास्ता जा रहा होगा पक्का उसके दोनों साइड आपको जो है कोल डस्ट जो है वो डाला हुआ दिखाई दे जाएगा। बस कि वहाँ पे जो भट्टियाँ चलती हों जो वहाँ पे फर्नेस हो वो चारकोल से चलने वाला हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक होगा तो नहीं होगा। सो ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, ठीक है लॉन्ग डार्क इवनिंग्स बोल रहे हैं मतलब वो ऐसे वही वाला समय कि शाम जो है वो ख़त्म हो रही है और रात शुरू होने वाली है, तो ऐसी एक डार्क इवनिंग थी एंड जस्ट बिफोर द क्रिसमस, यानी किस दिन की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं 24th December। द मास्टर स्मिथ एंड इज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर। तो वहीं पे कहते हैं कि डार्क इवनिंग थी और क्रिसमस से एक दिन पहले का समय था, और वो जो उसका फोर्ज डिपार्टमेंट था यानी जहाँ पे फर्नेस थे यहाँ पे भट्टियाँ वगैरह चलती थी, तो वहाँ पे जो मेन लोहार थे मास्टर स्मिथ वो अपने हेल्पर के साथ बैठे हुए थे और वो वेट कर रहे थे कच्चे लोहे का जो पिघल के आने वाला था जिसको उनको जो है फायर पे रखना था टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। एनविल बोलते हैं ढांचे को बोलते हैं जिसके ऊपर आप लोहे को रख के पीटते हैं। जनरली आपने लोहार के यहाँ देखा होगा वो लोहार के पास एक आयरन का पीस होता है और जो भी वो गर्म लोहा आता है वो गर्म लोहा पहले उस आयरन पीस पे रखते हैं पकड़ के और फिर उसके ऊपर से जो उसको पीटते हैं जिससे कि उसको शेप दिया जाए, तो उसको एनविल कहते हैं। तो इसलिए वो दोनों भी जो है वहाँ पे बैठ के वेट कर रहे थे कि जो आयरन वहाँ से आएगा वो रॉ आयरन जो आएगा तो उसको वो जो है तैयार करेंगे। सो एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टिर द ग्लोइंग मास, स्टिर माने मिक्स करना, और फिर उनमें से कोई भी जो है वो उठता था और वो जो भट्टियों में लोहा पिंगल रहा था तो उनमें से कोई भी एक वो आयरन बार होती थी वो उसको उठाता था और उसको जो है वो मिक्स करता था जो उसमें चल रहा होता था। एंड रिटर्निंग अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन दो एज वॉज द कस्टम, और ऑफकोर्स वही वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो जो है उनको पसीना वगैरह भी आ रहा था, और वो जब वो ऐसा उठ रहे थे और वहाँ पे मतलब जो भी वहाँ पे सारे काम हो रहे थे उस वक्त मिल में वो फोर्ज में जो भी काम हो रहे थे आयरन का पिघलना उनका उठना वहाँ उसको मिक्स करना, मतलब ये कस्टम की तरह था, कोई मतलब ये नहीं था पहली बार, उनको पता था कि पहले ये स्टेप करना है फिर ये करना है फिर ये करना है ऐसे। एंड ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, और उन्होंने जो है बस एक लंबी सी शर्ट पहनी हुई थी और जो है वुडन शूज़ उन्होंने पहने हुए थे, बाकी और कुछ नहीं था। वो क्यों नहीं था जबकि देखिए दिसंबर का समय था पूरी बहुत बढ़िया भरी हुई ठंड हो रही थी, बट फिर भी जो है उन लोगों ने बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं पहने थे, क्यों? क्योंकि वो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे वो डिपार्टमेंट में फर्नेस का ही काम होता था, भट्टियों का काम, तो हर टाइम भट्टी चलती थी वहाँ पे, तो गर्मी तो वहाँ पे वैसे होनी थी, इसलिए जो है वो लोग ऐसे कपड़े पहने हुए थे। प्लस वुडन शूज़ क्यों पहने हुए थे उन्होंने? क्योंकि अगर वो ऐसा लेदर के या किसी और चीज़ के अगर वो जूते पहनेंगे तो वो जो आयरन होता है वो आयरन जलते हुए ऐसे छिटकता है, तो जलते छिटक के अगर उनके जूते वगैरह पे लग जाएगा तो वो जूतों को ख़राब कर सकता है या इवन आग भी पकड़ सकता है, तो इसलिए जो है वहाँ पे वुडन शूज़ पहन के काम करते हैं। सो ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, ठीक है इंपॉर्टेंट है थोड़ा पैराग्राफ। सो कहते हैं कि आप अगर उस फोर्ज में देखें तो आप एक साथ जो है उस फोर्ज के अंदर बहुत सारी आवाज़ें सुन सकते हैं, जैसे द बिग बेलोज ग्रोन, मतलब जब वो आग जलती थी तो आग जलने की जो आवाज़ आती थी आप वो सुन सकते थे, द बर्निंग कोल क्रैक्ड, वो जो कोयला जल रहा था भट्टी में उसके क्रैकिंग का साउंड सुन सकते थे, या फिर जो फायर बॉय था शॉवल्ड चारकोल इनटू द मो ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, वो जो फायर बॉय था वो वहाँ पे क्लैटर, क्लैटर बोलते हैं फावड़े को,
कौन सा वाला फावड़ा, एक तो होता है वो खोदने वाला, एक होता है फावड़ा क्लैटर, जिससे जैसे ट्रेन के इंजन में देखा होगा आपने, जो कोयले से चलने वाला इंजन है वो उस फावड़े से जो है क्लैटर से वो कोयला उठाता है और फिर ट्रेन के इंजन में डालता है, तो वही वाला क्लैटर है यहाँ पर भी। तो वो फायर बॉय क्या करता है, उस क्लैटर की हेल्प से वो चारकोल को उठाता है और जो है वो भट्टी का जो माउथ है उसमें जो है वो डालता है, जो ओपनिंग है उसकी, जिससे कि भट्टियाँ चले। तो एक वो साउंड वहाँ पर आ रहा था। एंड आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और उसी फर्नेस के बाहर वो जो फोर्ज था उसके बाहर कहीं पे एक वाटरफॉल भी था, तो जो वाटरफॉल की भी एक रोरिंग साउंड आ रही थी, दहाड़नी साउंड आ रही थी वो पानी गिरने की। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड व्हिप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टिल्ड रूफ, और वो जो फोर्ज डिपार्टमेंट था उसकी ब्रिक टिल्ड रूफ थी, यानी जो वी शेप में, उल्टा वी शेप में जो रूफ होती है उसको बोलते हैं। तो जो उसके रूफ और जो दीवार थी उसके बीच में जो गैप था, वहाँ से जब तेज़ हवा चलती थी तो हवा चलने के जो है एक अलग साउंड जो है, वेपिंग साउंड जो है वो आ रहा था वहाँ पर, जो साई साई की आवाज़ जिसको कहते हैं, तो ऐसी आवाज़ आ रही थी। सो इतनी सारी आवाज़ें वहाँ फोर्ज में आ रही थी कि मतलब आप जो हैं आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते थे। सो इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस that a man had opened the gate and entered the forge. तो कहते हैं शायद यही कारण था कि वो जो लोहार थे, ब्लैकस्मिथ जो थे, शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि एक इंसान जो है उनके फोर्ज में दरवाज़ा खोल के अंदर भी आ गया है। और शायद क्यों नहीं ध्यान दिया, क्योंकि इतनी सारी वहाँ पे आवाज़ें हो रही थी, तरह तरह की आवाज़ें हो रही थी, तो शायद उनका ध्यान जो है वो दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पे नहीं गया। कब तक नहीं गया, अनटिल स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक वो इंसान आके फर्नेस के पास आके खड़ा नहीं हो गया। और ये कौन इंसान है जो आके खड़ा हो गया वहाँ पे, रैट रैपर, ठीक है। तो जो रैट रैपर था हमारा, वो जंगल से किसी तरह बच बुचा के जो है वो साउंड को फॉलो करता करता वहाँ फोर्ज के पास पहुँच जाता है। सो श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स एंड टू कम टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, ठीक है। तो कहते हैं कि अब ये जो उसका आना था वहाँ पर रेड रैपर का, ये ब्लैक स्मिथ के लिए कोई अनयूजुअल बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि कहता है मतलब उसके जैसे जो वैगाबॉन्ड आवारा लोग थे, उन लोगों के लिए ये जो फोर्ज था ये एक बहुत ही बेटर शेल्टर था। ऐसी रातों में जब बिल्कुल चिल्ड रात होती थी तो क्या होता था, बाहर मतलब पूरा अंधेरा होता है और ठंड हो रही है और अंदर वहाँ भट्टियाँ चल रही हैं, तो उसमें जो सूटी पेंस लगे थे, यानी जो वेंटिलेशन के लिए उसमें जंगले उन्होंने लगा रखे थे, जंगले वो पेंस वाले जंगले थे जिसमें सिर्फ सिंपल ऐसे रॉड्स लगी होती हैं, तो उनमें से क्या होता था पीले कलर की रोशनी जो है वो येलो कलर की रोशनी बाहर जा रही, मतलब जो एक आग वाली जो रोशनी होती है वो बाहर मतलब दिखाई देती, तो दूर से दिख जाता था यार वहाँ पर आग जल रही है। तो कोई भी वैगाबॉन्ड यानी आवारा जो था उसको यही लगता था कि यार ये तो बड़ी अच्छी जगह रहेगी और चलते हैं रात जो है वहीं पर काट लेंगे, उनसे परमिशन ले लेंगे, वहीं जो है ऐसा थोड़ा आराम कर लेंगे, वहीं लेट जाएंगे फायर वगैरह के पास में। तो ब्लैक स्मिथ ने क्या करा, ब्लैक स्मिथ ने इसी वजह से जो है उसकी तरफ बड़ा कैजुअली उसने देखा एंड इनडिफरेंटली द इंट्रूडर, इंट्रूडर बोलते हैं जो बिना परमिशन के आता है, तो उसकी तरफ उन्होंने बड़े कैजुअली देखा। कैजुअली मतलब ऐसे चौंके नहीं, अरे तुम कौन हो, कहाँ से आ गए, कहाँ घुस गए, ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे बड़े कैजुअली उसकी तरफ देखा। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ब्लैक स्मिथ के लिए ये बिल्कुल भी अचंभित होने वाली बात नहीं थी, वो उसके जैसे लोगों को रोज़ वहाँ पर देखता था, ठीक है। आज तो रेड ट्रैपर था, रेड ट्रैपर से पहले पता नहीं कितने लोग वहाँ पे आवारा आते होंगे और वो आके उससे पूछते होंगे कि भाई मतलब रुक जाएं क्या रात के लिए, तो वो भी मना नहीं करता, हाँ ठीक है, उसको पता था कुछ करेंगे है नहीं, कुछ नहीं करना, बस वो भटिया से थोड़ी देर अपना वार्म वगैरह होके गर्म जो है ठंड से बच के फिर वहाँ से चले जाएंगे। तो उसके जैसे लोगों को रोज़ देखता था, तो ये कारण था कि उन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो हो सकता है रेड ट्रैपर ने जब गेट खुला होगा तभी देख लिया होगा, पर उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है अच्छा फिर से कोई वो ऐसे आवारा सा है, तो बस किस काम के लिए, उनको भी पता था। तो जो उन्होंने साउंड वाला वो बताया, तो एक कारण हो वो भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी, पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसी चीज़ की है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कर देते हैं इस चीज़ को कि ब्लैकस्मिथ जो है वो उसके जैसे लोगों को रोज़ देखता था। कैसे, विद अ लॉन्ग बियर्ड, डर्टी रैग्ड, जो फटे पुराने कपड़े पहने होते थे, एंड विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और जो ऐसे अपनी चेस्ट पे सजा कर लेकर आते हैं रैट ट्रैप्स वगैरह, माने ऐसे चूहेदानी बेचने का या फिर ऐसा छोटा मोटा काम करने वाले जो लोग होते हैं उनके बारे में बात करते हैं कि ऐसे लोगों को वो रोज़ देखता था।
अब जो है रेड ट्रैपर बिल्कुल वहाँ फोर्ज में आ जाता है और ब्लैक स्मिथ के पास आके खड़ा हो जाता है, और फिर अब आके उनसे परमिशन मांगता है। यू तो पहली बार आया है तो उसको पता नहीं, तो वो कहता है ही आस्क परमिशन टू स्टे, वो पूछता है कि मैं रुक सकता हूँ क्या। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नॉडेड, नॉड बोलते हैं ऐसे हाँ में गर्दन को हिलाना, मतलब बोलना कुछ नहीं बस हाँ में गर्दन हिलाना, नॉडेड अ हॉटी कंसेंट, और वो जो है हाँ में उसको जो है कंसेंट दे देते हैं कि हाँ तुम यहाँ रुक सकते हो, विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, और बिना उसको ऑनर करे हुए। यानी मतलब जब ब्लैक स्मिथ से उसने पूछा तो ब्लैक स्मिथ ने उसको कुछ भी नहीं, हाय हेलो नहीं करा ब्लैक स्मिथ ने कि अच्छा हाँ वेरी वेलकम को आ जाओ, कुछ नहीं बोला उसको, उसने पूछा मैं रुक जाऊँ और उसने गर्दन ला दी हाँ ठीक है बस, क्योंकि उनको वो तो उसके ऐसे लोगों को रोज़ मिलते थे ब्लैक स्मिथ, तो वो कोई उसको ऑनर वगैरह नहीं मतलब करने वाला था या उससे पूछता है तुम कौन हो कैसे हो क्या हो। बट ब्लैक स्मिथ वो जो था रेड ट्रैपर, उसने जो है रेड ट्रैपर ने सोचा होगा कि शायद ये मेरे से जो है दो चार बातें करेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो द ट्रैम्प भी आवारा को बोलते हैं, द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, तो रेड ट्रैपर ने भी कुछ नहीं बोला, क्यों, क्योंकि वहाँ वो बात मिलाने थोड़ी आया था, वो तो किस लिए आया था, वो भी वहाँ पे सिर्फ अपने आप को जो है वार्म करने के लिए आया था, और उसको पता था जैसे समय बीतेगा मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। सो इन दोज डेज द रामस्यो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, तो उन दिनों में जो रामस्यो आयरन मिल थी वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आयरन मास्टर थे, मतलब जिनका आयरन के व्यापार में बड़ा नाम होगा, तो उनके पास वो मिल हुआ करती थी उस वक्त, एंड हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन द मार्केट, और उनका जो आयरन मास्टर थे उनका जो मेन एम था बस यही था कि मेरे को जो है चाहे कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट चाहे ज़्यादा हो या कम हो, पर मेरे को जो है सबसे अच्छी क्वालिटी का आयरन जो है मार्केट में निकालना है जिससे कि मेरा जो है नाम बने, गुडविल बने। सो ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, तो इसीलिए वो जो आयरन मास्टर थे वो रोज़ दिन में भी और रात को भी जो है वहाँ पर चक्कर लगाने आते थे, अपना इंस्पेक्शन करने आते थे कि सब काम जो है वहाँ पर ठीक ठाक हो रहा है या नहीं हो रहा है। And at this very moment, he came into the forge on one of his 90 rounds of inspection. इसीलिए जो है वहाँ पर वो आज रात को भी वहाँ पहुँचते, और किसके लिए, वो जो उनका रेगुलर नाइट राउंड वाला जो इंस्पेक्शन होता था वही करने, वो आज रात को भी वहाँ पर पहुँचते हैं। कब, जब फोर्ज में कौन है, फोर्ज में वो ब्लैक स्मिथ हेल्पर वगैरह काम कर रहे हैं, और साथ में अब वहाँ पर कौन पहुँच गया, वो रेड ट्रैपर भी। So the naturally the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose out from his wet rags. तो जो सबसे पहली चीज़ उन जब वो फोर्ज में पहुँचे वहाँ भट्टी वाले डिपार्टमेंट में, तो सबसे पहली चीज़ जो उनको चौंकाने वाली थी ऑफकोर्स वही थी कि एक वो टॉल रैगामुफिन यानी वो फटे पुराने कपड़ों में एक जो है पर्सन या कोई चीज़ जो है वहाँ फर्नेस के पास पड़ी हुई है, और जिसमें से क्या हो रहा है, जिसमें से धुएँ जो है वो उठ रहा है, क्यों, क्योंकि उसके वेट रैग्स, क्योंकि बाहर जो है हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और ठंड का मौसम था, ओस पड़ रही थी, तो वो गीला हो गया होगा उसके कपड़े, तो भट्टी के पास वो लेटा तो गर्मी की वजह से उसमें धुएं उठ रहे थे। तो आयरन मास्टर ये देख के बड़ा चौंक गया, अरे ये कौन है, ये क्या चीज़ है, उसमें धुएं उठ रहे हैं। तो आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जांपल ऑफ ब्लैक स्मिथ, तो आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ वाला एग्जाम्पल फॉलो नहीं करा, यानी कैसे, ब्लैक स्मिथ तो क्या था, ब्लैक स्मिथ तो बड़े कैजुअली लेता था सबको, और कोई मतलब किसी को कुछ मना नहीं करना, कुछ नहीं करना, अलाउ कर देना, ना कुछ पूछताछ करनी, पर कहता है आयरन मास्टर ने फॉलो नहीं करा, क्यों, क्योंकि आयरन मास्टर तो उस मिल का मालिक था और ब्लैक स्मिथ तो उसके यहाँ पे काम कर रहा था, तो जो मालिक होता है उसको तो हर छोटी छोटी चीज़ से जो है उसको चिंता होती है, प्रॉब्लम होती है कि ये क्यों, कौन है, कैसे, तो और उसको तो ब्लैक स्मिथ तो वहाँ एम्प्लॉई, उसको शायद इतनी प्रॉब्लम ना हो उसकी तरफ से, तो जो है मतलब उसको पता था काम करना और काम हो रहा है, बट आयरन मास्टर को थोड़ी प्रॉब्लम थी। सो हु हैड हार्डली डेन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, तो जो ब्लैक स्मिथ था वो तो उसको मतलब हार्डली ही केयर्स कि कौन स्ट्रेंजर है, कहाँ से आया, कैसे आया, वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता था। सो ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, तो आयरन मास्टर को तो ठीक नहीं लगा, तो आयरन मास्टर जो है वो जाता है फर्नेस के पास और उसके और क्लोज जाता है, एंड लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखता है। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, तो वो जो था उसने अपना जो बेकार सा हैट था वो अपना हैट उसने जो है ऐसा मुँह पे रख के जो है वो उसको सो रहा था आँख वाँख ढकने के लिए, तो अब उसका और केयरफुली उसका लुक लेने के लिए, उसका और अच्छा लुक लेने के लिए वो क्या करता है, वो उसका जो हैट होता है वो हैट उसके फेस पे से हटाता है। अब जैसे ही आयरन मास्टर उसके फेस पे से हैट को हटाता है वो एकदम से उसको देख के चौंक जाता है, बट ऑफकोर्स इट इज़ यू नील्स ओलाफ, वो एकदम से उसको बोलता है अरे नील्स ओलाफ ये तुम हो यार, ये कैसे, हाउ यू डू यू लुक, और ये तुम्हारा क्या क्या हाल क्या हो गया तुम्हारा, यानी आयरन मास्टर ने समझा कि वो कौन है, वो उनका एक पुराना मित्र है जिसका नाम क्या है, नील्स ओलाफ, वो उसको वो समझ रहे कि तुम कौन, वो कौन है, नील्स ओलाफ है, और बोलते हैं कि तेरी क्या हालत हो गई।
द मैन विद द रैट ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन दैट आयरन मास्टर एट रामसचो। पर वो जो रैट ट्रैपर था, रैट ट्रैपर ने उसको देखा आयरन मास्टर को, और उसने देखा कि यार मैंने तो आज से पहले इस पर्सन को कहीं देखा ही नहीं है, मैं तो पहली बार इसको रामसचो में देख रहा हूँ, मैं तो आज से पहले इसको कहीं देखा ही नहीं है। इसका मतलब आयरन मास्टर को रैट ट्रैपर को पहचानने में कोई गलतफहमी हो रही है। एंड डिड नॉट इवन नो वॉट इज नेम वॉज, वो तो उसका नाम तक नहीं जानता। अगर वो नील्स होता या कोई उसका जानने वाला होता तो वो उसको ऐसा रिकॉल करता ना कि अच्छा हाँ वहाँ मिला था, मिला था, बट वो तो जानता है कि मैं तो उससे मिला ही नहीं, मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ। बट इट अकर टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्विंटेंस यानी जानने वाला कोई, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर। तो अब वो तो समझ गया रैट ट्रैपर कि यार मैं तो वो पर्सन नहीं हूँ जो ये मुझे समझ रहा है, पर रैट ट्रैपर ने सोचा कि यार ये इतना फाइन जेंटलमैन है, इतना अच्छा सूट वूट इसने पहना हुआ, इतना पैसे वाला है, और अगर ये मुझे कोई अपना जानने वाला सोच रहा है तो मेरी हालत को देख के तरस खाएगा और मुझे क्या दे देगा, शायद मुझे कुछ कपल ऑफ क्रोनर्स ये भीख में दे दे, मुझे मदद करने के लिए मुझको दे दे। तो वो जो है वो उसको मना नहीं करता कि नहीं नहीं सर आप जो मुझे समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ, ऐसा उसको मना नहीं करता। देयरफॉर ही डिड नॉट वॉन्ट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, तो इसलिए उसने उसको जो है अनडिसीव करने की कोशिश नहीं करी, यानी उसको गलत कहने की कोशिश नहीं करी कि सर जो आप समझ रहे हो वो सब गलत है, मैं वो नहीं हूँ, ऐसा नहीं बोला उसने। ठीक है, तो ये उसने गलती करी, उसको बताना चाहिए था, क्योंकि वो तो उसको तो गलत फहमी हो रही थी, तो उसको क्लियर करना चाहिए था, बट उसने बोला नहीं। क्यों? उसने बेचारे ने लालच भी नहीं बोला कि मेरे को शायद कुछ क्रोनर जो है और मिल जाए। तो वो तो जवाब देता है बस कि येस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद हिम विद मी ही सेड। तो रैट ट्रैपर तो कहता है बस मैं क्या बताऊँ, भगवान की शायद यही मर्जी थी और मेरा टाइम जो है काफ़ी बुरा चल रहा है। सो अब एकदम से आयरन मास्टर कहता है यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर कहते हैं कि हाँ ये तो ये जो भी है चलो ये तो बुरा हुआ, पर तुम्हारी गलती है, तुमको क्या नहीं करना चाहिए था, तुमको रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। यानी वो क्या समझ रहे हैं, वो उसको अपना कोई पुराना फौजी साथी समझ रहे हैं। वो आयरन मास्टर जो है पहले आर्मी वगैरह में होंगे, फौज में होंगे, और उनके रेजिमेंट में होगा, नील्स उनका फ्रेंड होगा, तो उनको लगा कि नील्स ने रिज़ाइन कर दिया था और उसके बाद फिर उन्हें कभी मिला नहीं, आज मिला उनको और शायद वो ऐसी इतनी बुरी हालत में, तो इसलिए वो कहते हैं भाई तेरी गलती है, तुझे रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए। दैट वॉज द मिस्टेक, इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम इट नेवर वुड हैड हैपेंड। तो आयरन मास्टर कहते हैं ये ऑफकोर्स वो एक गलती थी और तुझे नहीं करना चाहिए था, और अगर शायद मैं उस टाइम सर्विस पर होता तो मैं तेरे को शायद ऐसा करने नहीं देता। वेल नाउ ऑफकोर्स यू विल कम होम विद मी, पर खैर छोड़ो जो भी हुआ, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, अब तुम सीधे मेरे साथ मेरे घर चलो। कौन बोले? आयरन मास्टर बोले। किससे बोले? रैट ट्रैपर से। उन्होंने रैट ट्रैपर को ऑफर करा कि तुम जो है नील्स मेरे साथ मेरे घर चलो। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस, मैनर हाउस बोलते हैं जो एक बहुत बड़ा घर होता है जो शहर के मतलब बाहर बना होता है, काफ़ी अच्छा बड़ा घर होता है उसको बोलते हैं, और काफ़ी रेस्पेक्टेड लोगों का जो होता है। सो टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। तो उस मैनर के हाउस में जाना और उसको वहाँ पे अपने हाउस में कैसे रिसीव करना, अपने पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड, पुराने रेजिमेंटल फौजी साथी की तरह उसको वहाँ पे रिसीव करना, ये बातें बिल्कुल भी उस आवारा को हजम नहीं हुई। ये रैट ट्रैपर को बातें ठीक नहीं लगी। क्यों? क्योंकि रैट ट्रैपर को लगा कि एक तो मैंने 30 क्रोनर चुरा रखे हैं, ऊपर से मैं वो बन के जा रहा हूँ जो मैं हूँ ही नहीं, और कल को जब उसको सच पता लगेगा तो मेरी जो है अच्छी वाली पिटाई हो जाएगी, ये मेरी खूब जो है ठुकाई करेंगे और जो है पुलिस को पकड़ा देंगे मेरे को, क्योंकि मैंने चोरी भी कर रखी है प्लस अब मैंने चीट भी कर रहा हूँ, ऐसा इल्ज़ाम लगाएंगे मेरे पे, और जब मैं फिर वहाँ से वापस नहीं आ पाऊँगा मैं जेल चले जाऊँगा, निकल नहीं पाऊँगा। सो नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म। तो जो है वो बिल्कुल मना कर देता है और वो बोलता है कि एकदम से चौंक जाता है, और रैटर पर कहता है कि नहीं नहीं सर मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं आपके साथ नहीं चलूँगा। और वो काफ़ी अलार्म, काफ़ी सरप्राइज लगता है, इसे कोई डर गया, क्योंकि एकदम से उसे क्या आता है, ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, उसे अपने 30 क्रोनर याद आते हैं। सो टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड ही लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इन टू द लायंस डेन। वो समझ गया कि अगर मैं जो है वहाँ पर गया तो वो क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि वॉलंटरली मैं अपनी मर्जी से खुद अपने आप को कहाँ पर डाल रहा हूँ, शेर की गुफा में डाल रहा हूँ। कब? जब मैं अगर इसके घर पे चला गया, अगर वो आयरन मास्टर के घर चला गया तो बिल्कुल ऐसे होगा जैसे खुद को शेर की गुफा में डालना। क्यों? क्योंकि हो सकता है यहाँ पे तो कुछ मिस्टेक हो गई हो, पर घर जाके अगर उसको पता लग गया तो पक्का मैं पुलिस में पकड़वा जाऊँगा।
सो ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हेयर इन द फोर्ज एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल. वो तो बस क्या चाहता था, वो तो चाहता था मेरे को बस आज रात जो इस फोर्ज में रुकने की इजाज़त दे दो, क्योंकि सुबह तो वो बहुत जल्दी जो है यहाँ से खुद ही गायब जो है वो होने वाला, जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि उसने 30 करोड़ जो हैं चुरा रखे. द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग. अब आयरन मास्टर को थोड़ी पता था ये क्यों नहीं जाने के लिए कह रहा, तो आयरन मास्टर को तो लगा ये शायद इसलिए जाने के लिए नहीं कह रहा क्योंकि ये बड़ा एम्बेरेस फील कर रहा है, यानी क्या कैसे बड़े ही जो है ये बेइज्जती सी फील कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, क्योंकि उसने जो कपड़े पहने हुए जो बड़े आवारा से वो कपड़े रखे हैं, फटे पुराने कपड़े रखे हैं, तो उसको यही लगा आयरन मास्टर, उसको ये लगा कि शायद जो मेरा आयरन मास्टर है वो आयरन मास्टर को लगा कि यार ये तो पहले मेरा पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड था और अब इसको लगेगा यार मैं इसके घर जाऊंगा, मेरे इतने बेकार से कपड़े और मेरी इंट्रोडक्शन कराएगा तो मेरा क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरी तो बेइज्जती है यही, साथ में इसकी और बेइज्जती होगी. तो आयरन मास्टर को लगा शायद ये इस वजह से जो है मेरे घर चलने को मना कर रहा है. तो वो क्या करता है, वो आयरन मास्टर जो है रेड ट्रैपर को थोड़ा कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं अरे प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर. कहते हैं अरे बिल्कुल यार तू चिंता मत कर, मेरा कोई इतना कोई बड़ा घर नहीं है, इतना अच्छा कोई घर नहीं है कि तू वहाँ मेरे साथ चल ना सके. और साथ साथ कहते हैं कि यार तुझे तो पता ही है एलिजाबेथ इज़ डेड, एलिजाबेथ उनकी पत्नी होंगी आयरन मास्टर की, तो कहते हैं तुझे पता है एलिजाबेथ की तो ऑलरेडी डेड हो चुकी है, यू हैव ऑलरेडी हैव हर्ड एंड माय बॉयज़ आर अब्रॉड, मेरे जो लड़के हैं वो सब बाहर देश गए हुए हैं और यहाँ पे कोई भी नहीं है घर में मेरे और मेरी बड़ी बेटी के अलावा. सो वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस. और कहता साथ साथ कहता कि मैं और मेरी बड़ी बेटी तो डिस्कस कर ही रहे थे कि हमारे लिए कितनी बुरी बात है, कितनी बेकार बात है कि हमारे लिए इस क्रिसमस पे कोई भी हमारे साथ देने के लिए नहीं है, हमें क्रिसमस जो अकेला बनाना पड़ेगा. नाउ कम अलॉन्ग विद, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, अब तुम बस मेरे साथ फटाफट चलो और वो घर पे जो हमने क्रिसमस फूड बना रखा है उस फूड को डिसअपीयर अ लिटिल फास्टर, उसको खाने में उसको ख़त्म करने में मेरी जो है तुम मदद करना, उसको खाने का भी लालच देता है कि जो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, बस तुम घर चलो, आयरन मास्टर जिद करता है. बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो एंड अगेन नो, पर स्ट्रेंजर भी रेड ट्रैपर भी अड़ा पड़ा है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा. आयरन मास्टर उसको बोल रहा है नहीं तुम्हें चलना पड़ेगा. अब वो ऐसे मना क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने हाँ कर दी तो मैं पक्का फंस जाऊंगा, तो उसको मना करता रहता है. सो इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेहल, आप इस सब इस नाम को अंडरलाइन कर लीजिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है. वो जो रेड ट्रैपर को जो अपना ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड समझ रहे थे, उसका नाम जो रेजिमेंट में था वो था कैप्टन वॉन स्टेहल. नील्स ओलाफ जो है, नील्स ओलाफ हो सकता है उसका कोई निकनेम हो या उस नाम से उसको जो है वहाँ पे बुलाया जाता हो, तो आपको नील्स ओलाफ याद नहीं करना है, आपको जो याद करना है वो आपको कैप्टन वॉन स्टेहल नाम याद करना है, ठीक है. अगर क्वेश्चन कोई भी आएगा एग्जाम में तो मैक्सिमम चांसेस है वो कैप्टन वॉन स्टेहल के नाम से ही आएगा, नील्स के नाम से नहीं आएगा. अगर आता है नील्स ओलाफ के नाम से तो मैं पीछे इसलिए आपको उस नाम पे जोर दे रहा था कि आप उस नाम को भी याद रखें कि नील्स ओलाफ और कैप्टन वॉन स्टेहल एक ही पर्सन है, ठीक है. कभी क्वेश्चन में अगर आ गए नील्स के नाम से, बच्चे सोचे नहीं ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, हम तो कैप्टन वॉन स्टेहल पढ़ा या फिर हमने नील्स पढ़ा कैप्टन वॉन स्टेहल नहीं पढ़ा, तो गड़बड़ जाएगी. तो ध्यान रखिएगा नील्स ओलाफ और कैप्टन वॉन स्टेहल एक ही पर्सन है. आप जब भी आंसर में उसको लिखेंगे तो आप कैप्टन वॉन स्टेहल लिखेंगे, आप नील्स ओलाफ नहीं लिखेंगे, ठीक है. तो वो अब क्या कहता है, अब वो जो आयरन मास्टर है वो समझ गए कि क्योंकि एक लेवल तक ही किसी को मनाया जाता है, उसके बाद फिर दिख जाता है कि हम कितने के वो नहीं मानने वाला, तो वही था वो हो गया. आयरन मास्टर इतना कह सकते थे, उन्होंने कह दिया, तो आयरन मास्टर को लगा भी तो चलेगा नहीं. तो आयरन मास्टर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि इट लुक्स एज दो कैप्टन मॉन्स्टर प्रिफर टू स्टे विद यू टुनाइट स्टेजन स्ट्रॉम. ये स्टेजन स्ट्रॉम जो है ये उनका नाम होगा, जो वहाँ पे ब्लैक स्मिथ जो लोहार काम कर रहा था उसका नाम होगा. तो क्या वो आयरन मास्टर क्या करते हैं, जैसे तीनों लोग थे, आयरन मास्टर थे, उनके सामने रेड ट्रैपर खड़ा था और उधर को जो है वो ब्लैक स्मिथ बैठा होगा, तो ब्लैक स्मिथ की तरफ वो गर्दन करके कहते हैं कि यार स्टेजन स्ट्रॉम लगता है आज कैप्टन मॉन्स्टर तुम्हारे साथ ही जो यहाँ पर रुकना चाहते हैं. एंड ही टर्नड ऑन हिज हील बट ही लाफ टू हिमसेल्फ, पर ये बात कहने के बाद कि वो आज रात तुम्हारे साथ ही रुकना चाहते हैं, ये कहने के साथ ब्लैक स्मिथ जो है थोड़ा सा हंसते हैं. तो हु न्यू हिम, सो एज ही वेंट अवे एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड. वो ब्लैक स्मिथ जो क्या करता था, हु न्यू हिम, जो उन्हें अच्छी तरीके से जानता था, जो अपने मालिक को अच्छी तरीके से जानता था, तो मालिक ने जब ये बात कही और उन्होंने जो हंसी हंसी, वो उस हंसी से समझ गया ब्लैक स्मिथ कि वो अपनी आखिरी बात कह के नहीं गए हैं.
आयरन मास्टर के दिमाग में कोई और प्लान चल रहा है इसको यहाँ से ले जाने का। वो अपनी आखिरी बात कह के नहीं गया, वो उनकी हंसी से समझ गया। कब? जब उन्होंने एक स्माइल के साथ बोला, स्टेंजन स्टॉर्म, लगता है आज कैप्टन वॉन स्टीलर तुम्हारे साथ जो है यहाँ पर रुकना चाहते हैं। So it was not more than half an hour before they heard the sound of the carriage wheels. Carriage बोलते हैं घोड़ा गाड़ी को, ठीक है। पहले तो कार वगैरह नहीं होता था, तो घोड़ा गाड़ी होता था, और कैरेज जनरली उसको कहते थे जो आगे मतलब हॉर्स होते थे और पीछे तांगा, एक तो तांगा होता है जो खुला होता है, कैरेज होता है जो एक रूम टाइप बना होता है, कमरे की तरह होता है, चारों तरफ से बंद होता है, उसको कैरेज कहते हैं। हैरी पॉटर मूवी में भी है, मतलब जितनी हॉलीवुड पुरानी मूवीज़ हैं उनमें भी है, ठीक है। सो कहते हैं कि, तो अभी कहते हैं अब आयरन मास्टर वहाँ से गए हुए आधा घंटा भी नहीं होता कि फोर्ज के बाद बाहर जो है फिर से कैरेज रुकने की आवाज़ आती है। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और अब की ओर एक नया पर्सन कोई आता है, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर। और अब की ओर कौन नहीं था? वो आयरन मास्टर नहीं था, अब की ओर तो कोई और था। और कौन? ही हैड सेंट हिज डॉटर। आयरन मास्टर ने घर जाके अपनी बेटी को भेजा, बड़ी बेटी को भेजा, अपरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ। क्यों भेजा? क्योंकि आयरन मास्टर को लगता था मेरी बेटी में मेरे से ज़्यादा जो है परसुएशन करने की, यानी दूसरे को मनाने की पावर मेरे से ज़्यादा है, तो उनको लगा मुझे अपनी बेटी को भेजना चाहिए, ये उसको जो है मना के ले आएगी। उन्होंने बताया होगा घर पे जाके सब, ऐसे ऐसे मेरा साथी है और ये है और वही है, आना नहीं चाह रहा, मैं लाना चाहता हूँ। तो फिर बेटी ने बोला, उन्होंने बेटी को कहा हो गए तुम जाओ लेकर आओ। तो अब वो क्या करती है, वो अंदर आती है, शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैलेट, और साथ में जो उनके वैलेट आता है, वैलेट होता है, वैलेट बोलते हैं डोमेस्टिक सर्वेंट को, जैसे आपने हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा जो बड़े बड़े घर होते हैं वहाँ पे जो है डोमेस्टिक सर्वेंट होते हैं, उन्होंने ऐसा सूट वूट ब्लैक कलर का कोट पैंट पहना होता है और हाथों में वाइट ग्लव्स पहने होते हैं उन लोगों ने, उनको वैलेट कहते हैं। तो साथ में एक डोमेस्टिक सर्वेंट वैलेट आता है और वैलेट ने अपने हाथ में जो है ऐसे एक बड़ा सा फर कोट उसने जो है ऐसा पकड़ा हुआ होता है। एंड शी वॉज़ नॉट एट ऑल प्रेटी, और जो उनकी बेटी थी वो ज़्यादा प्रेटी नहीं थी, बट काफ़ी मॉडेस्ट और काफ़ी शाई थी, मतलब काफ़ी शांत स्वभाव की और शर्मीली लड़की थी। सो इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। तो फोर्ज में सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसा इवनिंग में उन्होंने डिस्क्राइब करा था कि लोहा पिंगल रहा है, वो उसको एनविल पर रख रहे हैं, उसको जो है तैयार कर रहे हैं, सब वैसे ही चल रहा था। मास्टर ब्लैकस्मिथ और उनका जो अप्रेंटिस, अप्रेंटिस बोलते हैं चेले को, ट्रेनी को, जो काम सीख रहा होता है, तो मास्टर स्मिथ और उनका जो अप्रेंटिस था वो अभी भी अपनी बेंच पे बैठे हुए थे, और आयरन और चारकोल जो था वो अभी भी फर्नेस में जो है तैयार हो रहा था। एंड द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हेड पुल डाउन ओवर हिज आइज, और वो जो हमारा रेटरेपर था वो भी वहीं भट्टी के पास जो है स्ट्रेच हो रखा था, यानी लेटा हुआ था, और अपना जो है वो हैट उसने वही पुराने तरीके से अपने मुँह पर रखा हुआ था सोने के लिए, और अपने सर के नीचे उसने जो है एक पिलो बनाने के लिए उसने पिग आयरन जो कच्चा लोहा था उसका टुकड़ा उसने जो है रखा हुआ था, जिससे कि वो थोड़ा सा पिलो बना के कंफर्टेबली लेट सके। सो एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, तो जैसे लड़की ने देखा वो वहाँ पर लेटा है तो जाती है और जाके उसका उसके पास जाती है, उसका हैट उठाती है, मतलब उसको कोई परेशानी नहीं पहचानने में, क्यों? फादर ने सारा डिस्क्रिप्शन दे ही दिया होगा। तो जाती है जाके सीधे उसका हैट उठाती है। एंड द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, और जो रेड ट्रैपर था वो अक्सर कैसे सोता था, वो हमेशा उसकी आदत थी वो एक आँख खोल कर सोता था, मतलब विद वन आई ओपन, मतलब ये एक फ्रेज है, ठीक है, कोई ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है कि आँख खोल के एक आँख खोल के सोना, ऐसे तो कोई नहीं सो सकता। विद वन आई ओपन माने कि एक चौकन्नी नींद सोना, मतलब हल्का सा कुछ हो तो एकदम से आँख खुल जाए, ऐसी नींद सोना। तो वो जनरली ऐसी नींद सोया करता था हमेशा, और ऐसा क्यों था, ऐसे क्यों सोता था, क्योंकि वो क्या था, वो छोटी मोटी चोरी भी करा करता था, तो चोर तो था ही वो, और जो चोर होता है वो अक्सर ऐसी नींद सोता है कि कब भागना पड़ जाए। तो जैसे ही उसने वो ऐसे उसको हैट हटाया और उसको कुछ बोला तो ही उसे वो देख के जो एकदम से वो खड़ा हो जाता है, ही जंप्ड अप एब्रप्टली, वो एकदम से जो झटके से खड़ा होता है घबरा कर, एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, काफ़ी डरा हुआ लगता है। तो अब एडला जो है, माय नेम इज़ एडला विल्मनसन, ठीक है, तो वो जो उनके आयरन मास्टर की बेटी थी उनका नाम एडला विल्मनसन था, तो एडला उनको एकदम से बोलती हैं कि अरे मेरा नाम एडला विल्मनसन है, सेट द यंग गर्ल, और फिर उसको क्लियर करती हैं, देखो मेरे फादर घर आए एंड सेट दैट यू वांटेड टू स्लीप हेयर इन द फोर्ज टुनाइट, और उन्होंने बताया कि आप जो यहीं पर रुकना चाहते हैं, एंड देन आई आस्क परमिशन, एडला कहती हैं जब उन्होंने ऐसा मेरे को बताया तो मैंने उनसे परमिशन ली है, ठीक है, मैंने परमिशन ली कि मैं क्या आपको अपने घर ला सकती हूँ, ठीक है। और अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा था, ऊपर हमने पढ़ा था कि अब की बार उसने किसको भेजा था, हमने देखा था यहाँ पे कि वो जो थे
आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को भेजा था, ठीक है, ही हैड सेंट हिज डॉटर, ठीक है। यहाँ पे था ना, यहाँ पे बताया हमको कि यहाँ पे अपनी बेटी को उन्होंने भेजा, और यहाँ पे बताते हैं कि वो एडला क्या कहती है, एडला कहती है कि आई आस्क परमिशन। तो अब ऐसा क्यों था, भेजा तो उनको आयरन मास्टर नहीं था, पर एडला ऐसा क्यों कहती है? अगर एडला ऐसे कहती है उनको कि वो पापा घर पे आया, फिर उन्होंने मुझे बोला कि जाओ तुम लेकर आओ, मेरे से तो मानने नहीं, तो उनको लगा कि यार वे जो कैप्टन है, कैप्टन को बुरा लग जाएगा कि यार ये क्या एहसान कर रहे हैं मेरे पे, मेरी वजह से सब लोग इतना परेशान हो रहे हैं। तो उनको ऐसा बुरा ना लगे तो एडला ने बोला कि पापा ने कुछ नहीं बोला, पापा ने तो मेरे को बताया, तो मैंने उनसे परमिशन ली कि क्या मैं आपको लेने के लिए आ सकती हूँ, क्योंकि पापा तो चाहते हैं पर मैं भी चाहती हूँ कि आप मेरे साथ जो है हमारे घर चले एंड ब्रिंग यू होम टू अस। सो आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। और साथ में जो दुख जताती है कि कैप्टन मुझे यकीन नहीं होता कि आपके साथ जो इतना बुरा समय चल रहा है। एंड शी लुक्ड एट हिम कंपनसेटली, और वो लड़की ने इतना ऐसी मतलब मनाने वाली बातों से और ऐसी तरीके से उसको देखा विद हर हैवी आइज, एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड। वो इतने मनाने वाले तरीके से और ऐसे बातें से बोल रही थी तो उन्होंने नोटिस करा कि वो जो पर्सन है रेड रैपर, वो जो है तो डर रहा है ऐसे, मतलब ऐसे वो उसके अंदर जो है ऐसे डर सा बन रहा है, घबरा रहा है वो इन सारी बातों को सुन के, और ऐसे डर रहा है जैसे या तो उसने क्या कर रखा, आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही वॉज एस्केप फ्रॉम जेल। ऐसे डर रहा है जैसे या तो कुछ चुरा कर भागा हुआ है या जेल से भागा हुआ है। तो एक काम तो उसने कर ही रखा था, क्या कर रखा था, उसने चोरी तो कर ही रखी थी, और चोरी क्या करी थी उसने, वो 30 क्रोनर चुरा रखे थे। तो एडला ने भी नोटिस करा कि वो ऐसे घबरा रहा है जैसे या तो उसने कुछ चुरा रखा या जेल से भागा है। सो शी थॉट एंड एडिड क्विकली, तो एकदम से फिर वो ऐड करती है कि अपनी बात में बात जोड़ती है कि यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, ओनली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। कहती है कि कैप्टन आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम आपको बिल्कुल रोकेंगे नहीं, आपकी मर्जी, आपको जब जाना होगा ना आप तब चले जाना, फ्रीली चले जाना, हम बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप हमारे साथ जो क्रिसमस का त्यौहार है वो आप हमारे साथ मनाएं, बस क्रिसमस ईव के लिए आप हमारे लिए जो है रुक जाए वहाँ पर। एंड शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रैट ट्रैप पैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। और उसने ये बातें इतने प्यार तरीके से बोली, इतनी अच्छी तरीके से बोली, इतने मनाने वाली बात से बोली कि पैडलर को जो है उनके ऊपर पूरा पूरा यकीन हो गया कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। अब जो एडला बातें कर रही थी वो तो एज अ कैप्टन सोच के कर रही थी, और उसको पता था मैं कोई कैप्टन वैप्टन नहीं हूँ, मैं तो रैट रैपर हूँ, पर फिर भी जो है वो उसकी बातों में आ जाता है। And it would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. और रेटर पर कहता है अरे नहीं नहीं मिस, आप कैसी बात कर रही हो, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे पता है कि आप क्या नहीं, अब मैं आपकी वजह से तो मैं कभी भी क्या नहीं होऊंगा, मैं कभी bother नहीं होने वाला। अब वो बेचारा ऐसे क्यों बोलता है, क्योंकि आज तक उससे इतनी तमीज़ से, इतने प्यार से किसी ने कभी बात ही नहीं करी, इतनी रेस्पेक्ट देके, हमेशा उसको जो है भगाया जाता था, हमेशा उसको जो है क्वेश्चनिंग करी जाती थी, उस पर शक करा जाता था, बट उसने जो है इतने तरीके से, इतने प्यारे तरीके से बात करी, इतनी रेस्पेक्ट देके कि वो बेचारा पूरा जो उसकी बातों में आ जाता और कहता है नहीं मिस, आप क्यों मुझे बॉदर करेंगे, कैसी बात कर रही है, एंड आई विल कम एट वंस, आप चिंता मत करें, मैं आपके साथ जो है ज़रूर चलूँगा। एंड ही एक्सेप्टेड द फर कोट, और रेड ट्रैपर जो उस फर कोट को एक्सेप्ट कर लेता है। कौन से फर कोट को, जो वैलेट लेकर आया था, तो वैलेट उसी के लिए लेकर आया था क्योंकि बाहर ठंड हो रही थी, तो वैलेट जो है ऐसे बो करके, मतलब वैलेट रेड ट्रैपर के आगे ऐसे झुक के और उसको हाथ आगे करके जो है वो ऑफर करता है, तो वो फर कोट को लेता है और फर कोट को जो है अपने रैग्स यानी जो फटे पुराने कपड़े थे उसके, उन्हीं के ऊपर जो है उस फर कोट को डाल लेता है एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और एडला के पीछे पीछे जो है उसके कैरेज की तरफ चल देता है विदाउट ग्रांटिंग द एस्टॉनिश्ड ब्लैकस्मिथ। और वो जो एस्टॉनिश्ड मतलब ब्लैकस्मिथ जो है एकदम से मतलब चौंक जाता है वो भी कि यार ये मतलब ये कैसा पर्सन था, सो मच द ग्लेंस की मतलब इसको जो है मनाने वो बेटी भी आ गई और जो है ये यहाँ से चला भी गया, और इसने मुझे क्या नहीं करा, मुझे ग्रीट भी नहीं करा, मुझे कुछ बोला भी नहीं, जबकि मैं वो पहला पर्सन था जिसने उसको यहाँ पे अलाउ करा था, अगर मैं ही नहीं रुकने देता तो उसको ये सब कैसे मिलता। तो ब्लैकस्मिथ उसको रह जाता और वो जो था वो अब यहाँ पे ये मैनरलेस बात है, मतलब उसको इतने अब वो बेचारा वो तो आवारा था, उसको क्या पता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसमें इतने मैनर्स नहीं थे कि वो क्या करता, जाते आते उस ब्लैक स्मिथ को जो है ऐसा थैंक यू वगैरह करके बाय करके कुछ चलता, तो ऐसा उसने कुछ भी नहीं करा। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड ईवल फोरबिडिंग्स, पर अब जब वो कैरेज में एडला के साथ बैठ गया और उसके साथ उस मैनर हाउस में जा रहा था, उनके घर जा रहा था, तब उसके दिमाग में जो है उल्टे सीधे ख्याल आने लगे।
जैसे क्या, जब तो उसकी बातों में आ गया और आके जो है चल दिया, अब उसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं, वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज बनी, कि अरे यार मैंने क्यों उसका पैसा चुराया, क्यों मैंने लिया, अब देखो मैं कहाँ हूँ, अब नाउ आई एम सिटिंग इन अ ट्रैप, अब मैं एक ट्रैप में बैठा हुआ हूँ, मैं इसकी बातों में आ गया लड़की की और मैंने वो पैसा चुरा लिया, अब मैं ट्रैप में बैठा हूँ और अब मुझे पता है मैं इसमें से कभी भी बाहर नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि उसको लग रहा था कि अब मैं घर जा कर पकड़ा जाऊँगा और ये मुझे पुलिस में पकड़ा देगा और मैं कभी भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊँगा। सो द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन जो था फिर क्रिसमस का त्यौहार था, एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड हुम ही हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली। तो जो है फिर अगले दिन जो है वो जब वो वहाँ रात आ गया होगा वहाँ पर, फिर रात को वो रुका वहाँ पर, तो अगले दिन सुबह जो है आयरन मास्टर इतने खुश हो रहे थे और उन्हें इतना सेटिस्फाइड फील हो रहा था कि उनका एक पुराना फौजी साथी उनको मिला है और वो जो है मतलब बड़े खुश थे कि आज उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, तो ये सब सोच के बड़े खुश हो रहे थे। और एक ऐसा पर्सन, एक उनका साथी जो बड़े अनएक्सपेक्टेडली उनको मिल गया, जिसकी उन्हें बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो काफ़ी एक सेटिस्फेक्शन था उनको आज की जो है डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे कि ब्रेकफास्ट जो है आज वो अपने साथी के साथ करेंगे। सो अब ऐसे ही थोड़ा सा वो भी चिंतित हो रहे थे आयरन मास्टर, तो वो अपनी बेटी से बात करते हुए बोलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्रेश ऑन हिज बोन, कहते हैं पहले तो हम थोड़ा सा ऐसा करेंगे कि इसकी थोड़ी खिलाई पिलाई करेंगे जिससे कि थोड़ा सा इसकी सेहत वेहत ठीक हो जाए। ही सेड टू हिज डॉटर, किसको बोलते हैं वो एडला को बोलते हैं कि पहले इसको कैप्टन को जो है थोड़ा इसका सेहत वगैरह ठीक करेंगे, एंड हू वॉज बिजी एट द टेबल, अपनी बेटी को बोलते हैं जो टेबल पर बिजी थी, टेबल बिजी होने का मतलब कि वो टेबल जो है ऐसा बर्तन वगैरह जो है वो तैयार कर रहे होंगे, लगा रहे होंगे ब्रेकफास्ट के लिए। सो एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप, और कहते फिर उसके बाद मतलब जो खिलाई पिलाई हो जाएगी, इसकी थोड़ा जान आ जाएगी और ठीक से हो जाएगा, फिर इसके लिए मैं कोई और काम ढूंढूंगा, किसके अलावा ये चूहेदानी बेचने के अलावा, चूहेदानी का काम जो है बेकार है क्योंकि कैप्टन है तो अच्छा उसको नॉलेज वगैरह होगा, तो कहते उसके लिए जो है मैं पक्का क्या करूँगा, कैप्टन के लिए मैं कोई और काम जो है ढंग का वो ढूंढूंगा और से रेड ट्रैप बेचने का काम जो है बंद कराएंगे, तो पर पहले जो है उसको थोड़ा खिलाई पिलाई करते, तो वैसे जो है रेड ट्रैप के बारे में जो है वो चिंता कर रहे थे, क्यों, क्योंकि उनको तो यही लग रहा था कि वो कौन है, वो उनका पुराना ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है।